हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था, ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो सवाल क्या है यहाँ पर, बहुत अच्छा सवाल है। देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, दो टाउन्स है, दो टाउन की डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर है। दो कार हैं, टू कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ शुरू होती हैं, एक ही मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन से शुरू होती हैं फ्रॉम दिस टाउन, मतलब दो टाउन से शुरू होती है और मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। द स्पीड ऑफ वन कार, एक कार की स्पीड कितनी है ना दूसरे कार से कितना, 7 ज़्यादा है। द स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन अदर बाय 7 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, अगर दोनों कार के बीच में जो डिस्टेंस है 2 घंटे के बाद, मतलब दोनों कार का डिस्टेंस 2 घंटे बाद इतनी है 34 किलोमीटर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो कार की स्पीड कितनी है। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो बच्चों पहले इसको मैं आपको डायग्राम के वे में समझाऊंगा, ओके। देखो फोकस करो, देखो बच्चों ये आप इसको मान लो ए टाउन, ओके, इसको आप मान लो ए टाउन, अच्छा, और इसको मान लो बी टाउन, ठीक है, बी टाउन है। अब यहाँ पर क्या होती है, देखो अब इन दोनों दोनों टाउन के बीच में जो बच्चों डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 300 किलोमीटर। कितना है बच्चों डिस्टेंस ना, 300 किलोमीटर, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों टाउन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर सवाल में बोला गया है यहाँ पर, ओके। अच्छा फिर बोला गया है कि दो कार स्टार्ट होती हैं, चलो एक कार ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक छोटा सा कार यहाँ पर। देखो बच्चों यहाँ से मैंने एक कार ड्रॉ की इस पॉइंट से कि यहाँ पर कार खड़ा है, देखो इसके दो चक्के हैं, यहाँ इस टाउन पे एक कार खड़ी है और इस टाउन पे भी एक कार खड़ी है। तो ये जो कार इधर दोनों जो दोनों तरफ खड़ी है टाउन, मतलब दोनों टाउन की तरफ जो कार जो गाड़ी खड़ी है, ये जो गाड़ी है ये जाना चाहती है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। तो ये गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में और जो दूसरी जो गाड़ी जो टाउन बी के बी पर है वो जाएगी इस डायरेक्शन पे, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ आस्ते आस्ते आगे से बढ़ रहे हैं, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। चलो फिर बच्चों सवाल में यहाँ पर गिवन है हमें कि एक कार की स्पीड जो है वो दूसरे कार से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, एक जो कार है, मान लो कोई भी कार आप कंसिडर कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो या फिर इसको भी कर सकते हो। तो मान लो कि ये जो कार है इसकी स्पीड जो है, मान लो इसकी स्पीड को हम लेट कर लेते हैं कि मान लो इसकी स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हमें पता है क्या बोला गया कि एक कार की स्पीड दूसरे कार से कितना, 7 ज़्यादा है। तो आप किसी को भी एक्स मान सकते हो, चाहो तो इसको भी एक्स मान सकते हो, बट मैंने इसको एक्स माना, ओके। इसकी स्पीड अब मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी कार की स्पीड तब कितनी हो जाएगी, मतलब ये कार की स्पीड इससे कितनी, 7 ज़्यादा है, तो इस कार की बच्चों स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड होगी एक्स प्लस 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, इसकी स्पीड कितनी होगी, एक्स प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कार यहाँ पर जो खड़ी है ये एक्स प्लस 7 किलोमीटर, मतलब सॉरी एक्स प्लस 7 तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो ये जो कार है बच्चों, ये जो कार है वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है, और ये जो कार है बच्चों एक्स प्लस 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या, किस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ बढ़ रही है। ये कार जा रही है इस तरफ और ये कार जा रही है इस तरफ, मतलब दोनों कार एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब यहाँ पर सवाल में बोला गया देखो कि स्पीड ऑफ वन कार, यहाँ तक तो हो गया हमारा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स आफ्टर टू आवर्स, 2 घंटे के बाद, अब यहाँ पे चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब जब तक, अब देखो समझो इस चीज़ को, जब तक गाड़ी चलना स्टार्ट नहीं हुई थी तब इन दोनों कार के बीच में डिस्टेंस कितना था, 300 किलोमीटर था। अच्छा अब चलना शुरू कर दी है, चलते चलते कितने समय उन दोनों को हो चुके हैं, देखो दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किए, यहाँ पर लिखा भी है, देखो एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चलना स्टार्ट की। तो ये गाड़ी चलना स्टार्ट की, इस तरफ बढ़ रही है, अब ये भी इस तरफ बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस आगे कवर करेंगे। तो बोल रहे हैं कि 2 घंटे तक चली हैं दोनों कारें, ये कार चली है इस तरफ 2 घंटे, ये कार चली है इस तरफ 2 घंटे, दो कार 2 घंटे के बाद क्या होता है कि अब दोनों कार की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अब उन दोनों कार के बीच में कितना डिस्टेंस बचा है कवर करने के लिए ना, यहाँ पर लिखा है बुक में, जो सवाल में देखो कि 34 किलोमीटर बची है। तो बच्चों मैं इसके लिए और एक डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ, सेम वही चीज़ है, ये आपका टाउन ए है, यहाँ पर मान लो बी, ये बी है आपका, वही सेम डायग्राम, ठीक है। और वही दोनों कार की मतलब दोनों टाउन के बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है, ओके। और ये हमारा पहला कार, मतलब यहाँ पर अब कार नहीं, अब तो कार यहाँ से चलना स्टार्ट कर दी है। मान लो कार 2 घंटे चली, अब मान लो कार यहाँ पर पहुँच गई और यहाँ से चलना शुरू किया, 2 घंटे बाद कार तो यहाँ आ जाएगी, मान लो 2 घंटे बाद कार अभी चल चल के यहाँ पर आ चुकी है,
अब कार पहले ये जो कार थी यहाँ पर आगे बढ़ चुकी है, और ये कार जो यहाँ पर थी, यहाँ पर जो थी अब ये भी आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर और वो जो सेकंड वाला कार यहाँ पर हम कर लेते हैं जो कि ज़्यादा स्पीड में जा रही है, अब यहाँ पर आ चुकी। पहले थी दोनों इस जगह पर, अब दोनों कार कहाँ पर आ चुकी हैं, यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर थी, चलते 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 यहाँ पर आ गई, ये यहाँ ये वाला कार यहाँ पर थी, अब चलते 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 यहाँ पर आ गई है। तो ये जो है, ये जो टोटल है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, समझना ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी कार यहाँ पर है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो डिस्टेंस है उसने उसको कितना, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कार को कितना समय लगा, 2 घंटे लगे, 2 आवर्स लगा। और ये कार भी जो यहाँ पर पहले थी, अब चल चल के यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो उसने कवर की, ये इसको कितना समय लगा, टाइम कितना लगा, टी फॉर टाइम कितना समय लगा ना, 2 घंटे लगे, टाइम 2 घंटे लगे। देखो ये कार जो यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम 2 घंटे लगे। अच्छा, और ये बच्चों ये कार जो जो 2 घंटे जो चली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चली है 2 घंटे, तो कितने स्पीड में चली है, कितने स्पीड में चली है बच्चों, ये कार कितने स्पीड में चली है ना, x+7 किलोमीटर/आवर की स्पीड में चली है, ठीक है। और ये जो गाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2 घंटे चली है, कितने स्पीड में चली है ये गाड़ी ना, x किलोमीटर/आवर की स्पीड में चली है। सिंपल सी बात है बच्चों, अब ये जो कार है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चली है 2 घंटा, कितने स्पीड मेंटेन की, x किलोमीटर/आवर। तो x किलोमीटर/आवर स्पीड मेंटेन करते हुए जो 2 घंटे चली है, तो कुछ तो डिस्टेंस कवर की होगी ना, यहाँ पर तो मैंने दिखाया भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर की। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस हम निकाल देंगे, डिस्टेंस क्या फॉर्म होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया, 2x। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से आप यहाँ इसको इधर देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों कितनी है, वो आपका 2x है, 2x किलोमीटर है मान लो इसको, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तब कितनी हो गई बच्चों, 2x किलोमीटर डिस्टेंस ने कवर की तब। अच्छा, इसका भी वैसे ही निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये गाड़ी यहाँ पर थी, यहाँ पर आई, टाइम 2 घंटे उसको लगे, और x+7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। मतलब x+7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाते हुए कितने समय गई है, 2 घंटे, मतलब x+7 किलोमीटर स्पीड से 2 घंटे गई है, तो कितना डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है बच्चों, x+7 है, ठीक है, इंटू कितने समय लगा उसको, 2 घंटे, इसको भी 2 घंटे लगे हैं, 2x+14, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर की 2 घंटे में। तो मतलब कहाँ का ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, दूरी है, मतलब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2x+14 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बच्चों दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है, आप चाहो यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2x है। समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, अब ये चीज़ को ध्यान समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कवर, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है ना, ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं समझो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरा वो कितनी है, यहाँ से शुरू है बच्चों, गाड़ी यहाँ तक तो पहुँच चुकी है ना, तो ये टोटल इसको भी कंसिडर करो, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2x+14 है, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी तक की, यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 2x किलोमीटर है, ओके। अच्छा, अब सवाल में बोला है बच्चों कि ये दोनों, अब दो घंटे ये भी चली है, ये कार भी चली है, 2 घंटे ये कार भी चली है, तो 2 घंटे के बाद जो अब उन दोनों कार के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है, यहाँ के जो डिस्टेंस है वो कितना है, 34 किलोमीटर है, कितना है बच्चों, 34 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है बच्चों, 34 किलोमीटर है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। अब तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम क्या इसको ऐसे लिख नहीं सकते कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, 2x किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बच्चों, 2x+14 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को दोनों को प्लस कर दें, फिर इसमें और क्या ऐड करें ना, ये जो दूरी जो 34 है, 34 किलोमीटर, इसको भी अगर ऐड कर दें, अगर तीनों को हम ऐड कर दें, मतलब 2x को, फिर 2x+14 को, फिर बीच वाला जो 34 है, अगर हम तीनों को, क्योंकि तीनों डिस्टेंस ही है ना, ये भी आपका डिस्टेंस है 2x किलोमीटर, ये भी आपका 2x+14, ये भी डिस्टेंस है, और ये 34 किलोमीटर डिस्टेंस रियल वैल्यू है, तो तीनों अगर तीनों को मिला दे बच्चों, तो क्या ये 300 के इक्वल नहीं होगी, होगी कि नहीं बताओ। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, बस यही समझना था, देखो कितना प्यारा सा इक्वेशन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, 2x किलोमीटर, फिर इसको ऐड कर दो 34, फिर और इसको ऐड कर दो 2x+14, तो सबको अगर तीनों को मिला दें तो क्या आपको 300 नहीं मिल जाएगा, यस। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है बच्चों, आई होप आप समझे होगे चीज़ों को, कैसे मैंने आपको समझाया।
अब हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फेयर में। ओके, तो रेडी हो जाओ, लिखते हैं स्टेटमेंट। देखो बच्चा, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में वैसे इसको लिखोगे, शुरुआत करोगे, लेट द स्पीड, ऐसे लिखोगे, लेट द स्पीड ऑफ वन कार, फर्स्ट कार लिखो, स्पीड ऑफ कार लिखो, लेट द स्पीड ऑफ कार एक्स किलोमीटर पर आवर, सॉरी एक्स, हाँ एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर क्या बोला है, अब हम यहाँ पर लिख दिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, दो टाउन के बीच में तो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है, स्पीड इतना है, टाइम टेकन बाय कार टाइम टेकन नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, नहीं तो इसको ऐसा लिखो, इसको यहाँ पर थोड़ा सा कट कर दो, टाइम टेकन वैसे मत लिखो, आप यहाँ पर डिस्टेंस लिखो, इसको काट दो, अब ऐसे ही इसको यहाँ पर लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय कार इन टू आवर्स कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है एक से, टाइम कितना लगा है 2 घंटे, तो ये हो गया 2x किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, हम दूसरे यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन बोला है स्पीड ऑफ द सेकेंड कार, ऐसे लिखो ना, स्पीड ऑफ द अदर कार, स्पीड ऑफ अदर कार इज 7 मोर, फ्रॉम, एक काम करो बच्चों, फर्स्ट कार ही लिखो, फर्स्ट एंड सेकंड लिखो, बेस्ट होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार ऐसे लिखो, नहीं तो लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इक्वल टू एक्स किलोमीटर, लेट द स्पीड ऑफ सेकंड लिखो यहाँ पर, नहीं तो मतलब स्पीड ऑफ सेकंड का कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ सेकंड कार इज सेवन मोर देन द फर्स्ट कार, ठीक है, तो स्पीड ऑफ सेकंड कार कितना हो जाएगी, x+7 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा, तो ये लिखा है डिस्टेंस कवर, अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय सेकेंड कार इन टू आवर्स कितना, एस इंटू टी, एस कितना है x+7 इंटू टाइम है आपका वही 2 घंटे, तो यहाँ पर हो गया आपका 2x+14 इतना हो गया आपका किलोमीटर। ओके, अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स आफ्टर 2 आवर्स, यहाँ पर लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 2 आवर्स इज 34 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने, तो 34 किलोमीटर है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 कार्स ठीक है, अब ऐसे मत लिखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 कार्स, रिमेनिंग वो बोला है ना, तो कार शायद आगे से नहीं चली होंगी शायद, तो मान लो
टोटल यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ऐसे लिखो नहीं तो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ऐसे कवर लिखो, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, टू टाउन्स कितना है 300 किलोमीटर, ठीक है। देयरफॉर करते हुए इक्वेशन आप लिख दो और क्या, ये हो गया आपका 2x प्लस, फिर दूसरा है आपका 2x प्लस 14 और रिमेनिंग का 34 है, उसको 34 इसमें प्लस करो इक्वल टू 300। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जो अपने मन से इक्वेशन लिखना चाहते हैं बच्चों आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x, 2x कितना हो जाएगा, यहीं पर इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 4x, अब इसको प्लस कर दो 8, ये कितना 3x 4 48 हो गया इक्वल टू 300। दैट इम्प्लाइज 4x इक्वल टू 300 माइनस 48, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, ये गया आपका यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 9 से 4 गया कितना, यहाँ पर हम करेंगे 7, एक मिनट, इसको हमने यहाँ पर 10 माना तो ये 40, मान लो 2 करने से अब कितना हो जाएगा आपका 50 हो गया, वैसे शॉर्टकट में करते हैं, 2 करने से 2 ऐड करोगे 50 हो जाएगा और 50 से 52 होगा और क्या, ठीक है, 2 ऐड करने से 50 हो जाएगा और 50 से 52, तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू तब कितनी निकली, ऐसे ऐसे नहीं तो कर दो 52 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसको अब कैसे काटें, 13 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 13, x की वैल्यू जैसे 13 निकली तो बाकी का स्टेटमेंट लिख दो, अब यहाँ पर लिख दो हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द कार निकालनी है, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द कार्स पूछा है ना हमें, तो फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है, एक मिनट यहाँ पर कुछ गलती हो गया क्या, एक मिनट बच्चों कहाँ पर कुछ गलती हुआ है, अच्छा अच्छा यहाँ पर गलती हुआ, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने 52 लिख दिया ना, यहाँ पर 252 होगा, ओके, क्योंकि 252 में ऐड करने से 300 होगा ना, तो यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर इसको काटो कितना हो जाएगा, इसको 6 से काटो, यहाँ 63 होगा बच्चों, ठीक है, चेंज कर दो, क्यों 300 से माइनस करेंगे 48 तो 252 होगा ना, जिसको काटो 63 निकलेगा, ओके। चलो स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार तब कितना हो गया बच्चों, 63 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या था, x था, ठीक है। अब दूसरी जो कार है वो सेकंड, मतलब कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, स्पीड ऑफ सेकेंड कार कितना था, एक्स प्लस 7 था ना, हाँ x था 63 प्लस 7 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड ऑफ द कार्स पूछी हैं, तो एक अगर 63 है तो दूसरा आपका 70 हो जाएगा, ओके। बच्चों यहाँ हमारा ख़त्म होता है वर्कशीट नंबर 2 का 12 नंबर क्वेश्चंस, ओके। तो आई होप आपको आप समझे होगे, देखो स्टेटमेंट अपना मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मेन चीज़ जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर डायग्राम के वे में आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, इक्वेशन बना के दिखा दिया, अब स्टेटमेंट अब आपने जैसे समझे हो उसके अकॉर्डिंग आप लिखो, ओके। चलो ऐसा नहीं कि यही लिखना है आपको, जो अच्छा लगता है उस वे में लिखो, नहीं तो। तो बच्चों यहाँ हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 12, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।